लिए हमेशा रहा, और जाता था कुछ नहीं करता था, नीचे बैठ के सिर्फ लोगों की बातों को सुनता था, लोगों की बातों को समझता था, अपने मन में एक ही बात रखता था। जैसे दिलीप भाई ने बोला समाज में तीन चीज बहुत जरूरी है, दिलीप भाई मैं बोलना चाहूंगा समाज में चार चीज बहुत जरूरी है। तीन चीज आपने बता दी, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो कोई व्यक्ति समाज के ऊपर गिरे तरीके से निगाह रखे, हमें दलित है और हमें अछूत जैसा व्यवहार करे, हमें सम्मान नहीं दे, उस व्यक्ति को धोने का काम भी हमारा करना जरूरी है। कपड़े तो धोते हैं, हमारा व्यवसाय है, पर इंसान को धोने की ताकत अगर युवा वर्ग में हो जाए तो कोई व्यक्ति अपने समाज के लोगों को तकलीफ नहीं देगा। इस चीज को आपको समझना है, आप अपने बच्चों को समझेगा, आपने आपने आपकी वजह से आज आपके बच्चे नहीं आ रहे, कारण कौन है? मैं बोलता हूँ कभी लोगों को बुरा लगता है, पर जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम इतने इस्तीफा दिए, वैसे इनको रखना पड़ेगा। आप अपनी बात आप बता देते हो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो मार देगा, वो काट देगा, और आपके बच्चे डर जाते हैं क्योंकि आपको आपके पुरुषों ने डरा के रखा। यही कारण है कि हमारे बच्चे आज ऊपर नहीं आ रहे। आप बोलते हो बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है दोस्तों, बेरोजगारी ने आप खुद पाल के रखी हो। कोई किसी को रोटी नहीं देता, खुद की हिम्मत रहना, खुद का साथ होना, खुद की हिम्मत में रोटी होती है। ऊपर वाला है, भरोसा रखोगे, ताकत रखोगे, हिम्मत रखोगे, जुनून रखोगे, हौसला रखोगे तो सब चीज मिलती है। माननीय मंत्री महोदय ने वो हौसला रखा है। आज तक हमने देखा बहुत ऐसे लोग हैं, अमित खत्री साहब है, उन्होंने भी बहुत देशों में घूमा है, बहुत राज्यों में घूमा है, हमारे महाराष्ट्र में भी आते हैं, हमारी अच्छी मित्रता है उनके साथ। उस तरह मैंने मंत्री जी को भी देखा है, जहाँ पे हमारी भाषा हमको नहीं समझ में आती, उस जगह जाके मंत्री जी ने अपना ढंग की चोर पे झंडा घूमने का मंत्री जी, ये सब कार्यों के पीछे आपका हाथ है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, भाई दिलीप चौधरी जी का, जिनकी वजह से आज इस संस्था का उदय और समाज के लोगों को जगाने का कार्य दिलीप भाई करते हैं। मैंने और मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, युवा वर्ग हूँ, जोश है, मैं महाराष्ट्र में अक्सर लफड़े कर लेता हूँ मनसे से, शिवसेना से, जब फेरी वाले और रिक्शे वाले के तकलीफ होते और दिलीप भाई को पता चलता बोल करते मुझे भी क्या कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे जो युवा की जोश रहती है उसको सही तरीके नई दिशा देने का कार्य हमारे दिलीप भाई करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और इसी तरह आप हमारे युवा वर्ग को, हमारे साथियों को मजबूती के साथ लाइए। मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि हमारे दिल्ली में जीवन चौधरी जी एक युवा है, संदीप कन्नौजिया जी आए हुए हैं, भाई भारती साहब जी है, ऐसे युवा हैं, इन सब दिल्ली में एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। महाराष्ट्र में तो काफी जनसंख्या में हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरा एक सपना है मित्रों, उस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ, होगा कि नहीं है मालूम नहीं है, 2022 जब चुनाव आएगा तो महाराष्ट्र में 20 सीटें विधानसभा में पहुंचे अपने समाज, ये सब संकल्प है। और किसी भी पार्टी का, कांग्रेस हो, मनसे हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, मुझे नहीं पता, पर मेरा संकल्प है और मैं इसके लिए सभी पार्टियों से मिलजुल के रहकर उनसे बात कर रहा हूँ। अभी तक मेरा 4 किलो कन्फर्म हो गया, वो भी सभी युवाओं से हैं। मैं अपने भाई बिल्ला विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ और इन लोगों का टिकट 4 लोगों का कन्फर्म हो चुका है। मैं चाहूंगा ऐसे और 16 लोग मुझे युवा मिले, महाराष्ट्र में 20 सीटें हम लोग लेके जाए और समाज में एक नया जुनून पैदा करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।